हेलो गाइस, सोनू टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो ये हमने बनाई थी एक SMD मशीन और इसका हमने पूरा वीडियो बनाया था। तो हमारे कैमरामैन बहुत छोटे से हैं तो किसी कारणवश वीडियो डिलीट हो गई है। अभी 8 साल के हैं क्योंकि वही एडिटिंग करते हैं, वही वीडियो को अपलोड करते हैं। तो गाइस वीडियो तो डिलीट हो गई, तो मैंने सोचा क्यों ना आप इसको मैं खोल के आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ ताकि आप अच्छे से एक SMD मशीन बना सकें। अगर ये कितना काम करती है इसकी टेस्टिंग वगैरह हम दिखा देंगे। तो गाइस ये हमने बंद कर दी थी तो हम इसको खोल रहे हैं। और गाइस इसमें एक भी पेच लगाने की जगह नहीं थी तो हमने इसको थोड़ा स्टंट ग्लू से चिपका दिया था। तो हमने इसको फिर से खोल रहे हैं क्योंकि दोस्तों हमने जो है ये जो डब्बा है ये कबाड़ी से लिया था, तो कबाड़ी ने सारे नट बोल्ट इसके तोड़ दिए थे जो इसके पेच लगे हुए थे। उसको मालूम ही नहीं है कहाँ से इसके पेच खोलने थे। तो गाइस वीडियो को करते हैं फास्ट फॉरवर्ड। तो गाइस ये स्टंट ग्लू से चिपका हुआ है तो हम थोड़ा सा इसमें पेट्रोल डाल लेते हैं। पेट्रोल से स्टंट ग्लू छूट जाता है थोड़ा आसानी से। स्टंट ग्लू ज़्यादा भर दिया है इसमें तो आप इसको पेट्रोल की मदद से छुटा सकते हो। कोई भी चीज़ अगर जो स्टंट ग्लू से चिपकाई है तो वो पेट्रोल की मदद से थोड़ा छुट जाती है जल्दी। तो चलिए इसको खोलते हैं फटाफट से। तो गाइस ये हमारी खुल चुकी है तो चलिए मैं आपको बताते हैं। और सबसे पहले हम इसका ये जो पाइप है हम इसका एयर का निकाल देते हैं। तो गाइस हम बताएं इसके अंदर गाइस ये जो था पूरा सिस्टम ये कबाड़ी के पास था। तो हमें कबाड़ी ठेले पे ले रहा था, वो इसको तोड़ रहा था जहाँ से उसने ख़रीदा था। तो हमने कुछ ये डायरेक्ट 220 AC से चलता है, ये इसके अंदर यहाँ पे फिट था। पता नहीं क्या काम करता है, हमें नहीं पता ये मशीन किस काम की है। तो गाइस लेकिन हम इसे देख कर ये वाले पाइप देख कर समझ गए थे। और भी ऐसे ऐसे 2-3 पाइप लगे थे, इसमें भी लगे थे, इधर भी लगे थे। तो वो हमने सब निकाल दिए, कुछ उसने तोड़ दिए कुछ हमने। तो ये पाइप इसमें ऐसे लगा था। तो गाइस जब हम इसे घुमाते हैं ना तो एयर कम बढ़ती का फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए हमने इसको रहने दिया। तो गाइस हमने इसमें क्या किया है, ये लेवल पाइप लिया है, एक लेवल पाइप जो होता है राजमिस्त्री का। और ये हमारे पास 60 वाट का आयरन था तो हमने इसको खोल के यहाँ से, और इसमें हमने यहाँ से एक होल बड़ा करके इतना, और इसमें पाइप दे दिया है। और जो इसके साथ जो हमारे आयरन की जो वायर थी वो हमने निकाल के, उसी के वायर रखे हैं दो, उसको छील के हमने निकाल दिया था। और यहाँ पे हमने MC लगा के अच्छे तरीके से ताकि एयर लीकेज ना हो इसको बंद कर दिया बिल्कुल। आप बड़े इजीली कर सकते हो, कनेक्शन वगैरह हमने कुछ नहीं बदले थे। और गाइस ये इसके साथ था, यहाँ पे इसके दो पाइप लगाने के थे, एक और था उसमें को हमने यहाँ से ला के यहाँ वायर दे के MC लगा दिए, इसमें से एक होल कर दिया था। ठीक है गाइस, बाकी इसको हमने यहाँ लगा दिया। अब क्या था, जब ये डिब्बा वो कबाड़ी ले रहा था तो मैं इसको देख के समझ गया था बहुत अच्छी तरीके, एयर पंप है और इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हमें SMD मशीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, 4-5 हज़ार रुपये की, 3 हज़ार रुपये की आती है लोकल से लोकल भी, तो हमें चाहिए थी। तो हमने बहुत दिन से सोच रहे थे हम बनाएंगे। तो गाइस हमने इसको बनाना शुरू किया ये एयर पंप की वजह से। मैंने उससे ये डिब्बा 25 रुपये में ले लिया, 25 रुपये में उसने हमें दे दिया। अब गाइस मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया और इसका ये एयर का पाइप ये वाला रखा, और इसमें ये एक ही स्विच था, इसमें एक ही स्विच था। तो हमने क्या करा, इसके दो स्विच कर लिए, एक पंप के लिए और एक अपने आयरन के लिए, एक एयर पंप के लिए एक अपने आयरन के लिए। तो इसके कनेक्शन हमने कर दिए हैं, नॉर्मल से कनेक्शन है। अब ठीक है, दोनों के कनेक्शन अलग अलग हैं तो इसको तो आप जानते ही हो, आप कर सकते हो इजीली, कुछ भी वो नहीं है। इसको बनाने में भी कोई ज़्यादा वो नहीं है। इसको यहाँ से खोल के और इसमें जो ये पेच लगे हैं इसकी जगह को आपको काट लेना है, इसमें छोटी छोटी खुंटी होती हैं और उसको काट लेना है तो ये प्लेन हो जाएगा, अच्छे से सेट हो जाएगा और एयर निकलेगी नहीं। फिर भी हमने MCL भर दिया है यहाँ पर थोड़ी थोड़ी। तो चलिए गाइस ये छोटी सी एक जानकारी थी जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की। ये देखो कबाड़ी ने ये सब पेच लगे हैं इसमें अभी, लेकिन ये इसके टूट चुके हैं इसमें, ये देखिएगा ना, ये ब्लैक है ये वाइट है, यहाँ के कुंदे थे ये चारों टूट चुके हैं। तो गाइस इसके पेच कबाड़ी को खोलने को नहीं आए और सोच रहा है इसमें कहाँ से बंद है ये। तो गाइस ये रबड़ है, ये रबड़ है इसके नीचे, मैं खोल के दिखा देता हूँ। देखो ये इसके पाइप है, तो ये रबड़ है, इसको निकाल दोगे तो आपको इसके अंदर पेच दिखाई देगा। तो यहाँ पेच होते हैं इसके, लेकिन
कबाड़ी है उसको क्या मालूम है, तो ये इसके कुंदे हैं, पता नहीं कहाँ लटकाने का क्या था ये मालूम नहीं है। तो गाइस मेरी बहुत ही अच्छी एक एयरगन बन के तैयार हुई है। तो चलिए अब आपको हम इसकी टेस्टिंग दिखा देते हैं, इसको फटाफट से बंद करते हैं और आपको इसकी टेस्टिंग दिखाते हैं गाइस। तो गाइस चलिए इसकी टेस्टिंग की तरफ चलते हैं। ये हम इसका लगा देते हैं पावर कॉर्ड, ये लगा दिया है हमने एसी में। और ये गाइस क्या नाम है, हमारे स्विच ऑफ हैं, हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारा आयरन का, ये भी हमने बंद नहीं किया है, बस ऐसे ही ढक दिया है। तो गाइस ये हमारा इससे आयरन ऑन होगा हीटर, और ये हमारा इससे फैन चलेगा। देखो इसका एयर पंप चल गया है, ये इसका एयर पंप चल गया है। तो एयर पंप बंद करते हैं और अभी इसको गर्म होने देते हैं। और गाइस तो गाइस हमारी SMD गर्म होने लग रही है। तो गाइस ये इस आयरन की बिट थी, ये इसकी बिट है। तो जब हमें इसकी आयरन की जगह यूज करना है तो हम इसको लगा के और इसकी एयर बंद कर सकते हैं एयर पंप, और हम इसका आयरन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी ये गर्म होने लग रहा, तो अभी हम इसमें नहीं देंगे इसको, तो हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो गाइस हमारी SMD गर्म हो चुकी है, ये देखिएगा किस तरीके से लाल हो रही है अंदर से, और हमने अभी इसका एयर पंप बंद किया हुआ है देखिएगा। तो चलिएगा अब हम फटाफट से आपको टेस्टिंग दिखाते हैं और अब हम चलते हैं अपने टेस्टिंग बोर्ड पे। ठीक है गाइस, तो चलिएगा देखो हम इसका अभी पंप ऑन करते हैं और आपको दिखाते भी हैं इसकी एयर कैसे चल रही है। ये एक PCB भी है, तो हम इसमें से ये कॉम्पोनेंट छुटा के दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले हमारे पास पेस्ट है, हम पेस्ट लगा लेते हैं। तो गाइस इसमें आपको अच्छे वाला पेस्ट यूज करना है, आपको वाला डिब्बी वाला पेस्ट यूज नहीं करना है, तो क्योंकि वो नहीं काम करता है, PCB ख़राब हो जाती है, उससे काली काली हो जाती है गंदी। तो चलिएगा हम देरी ना करते हुए पहले हम पेस्ट लगा लेते हैं बढ़िया वाला। तो हमने निकाला पेस्ट और कुछ पेस्ट को हम लगाएंगे इस IC के ऊपर, इस IC के ऊपर लगा देंगे, ये ज़्यादा लग चुका। और कुछ को लगा देंगे हम इसके ऊपर, पेस्ट हम अभी लगा ही ले रहे हैं। और गाइस कुछ को लगाएंगे हम इसके ऊपर, हम वाली IC भी निकाल के दिखाएंगे आपको, हम छोटे कंपोनेंट्स निकाल के नहीं दिखाएंगे, छोटे तो निकल ही जाएंगे। तो बाकी इसकी टेस्टिंग करके बताएंगे हम आपको। तो हमारी इतने हीट मशीन गर्म हो रही है, तो गाइस ये देखिएगा आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो, लाल हो चुकी है, ये दिख रहा है कैमरामैन, दिख रहा है? हाँ। कैमरे की फ्लैश जल रही है, वैसे दिख रहा है, दिख रहा है, ये हमारी लाल हो चुकी है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, अब हम इसका पंप ऑन करते हैं, इसका एयर वाला पंप ऑन करते हैं। ये देखिएगा गाइस ये चल चुकी है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब इसकी हीट है, हाथ नहीं लगा पा रहे हैं हम इसके आगे। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम इसकी IC छुटाना शुरू करते हैं, तो क्या देखते हैं कितनी देर में ये छुटाती है। ये देखिएगा गाइस अभी हम बहुत ऊपर से कर रहे हैं गाइस, ये पेच हमने इसलिए नहीं हटाया है ताकि यहाँ से एयर ना निकले। चलिए अब हम इसको ज़्यादा नज़दीक लेकर चलते हैं। और गाइस आपको बहुत ही अच्छी मशीन और भी हैवी मशीन अगर जो आपको बनानी है, तो हम 150 वाट का आयरन यूज करें कम से कम, और अभी इसकी टेस्टिंग में पता लग जाएगा गाइस। तो गाइस हमारी SMD ने बहुत ही आराम से IC छुटा दी है। तो चलिएगा इसको रखते हैं एक तरफ, अब हम चलते हैं दूसरे इसकी तरफ। गाइस आप बढ़िया वाला पेस्ट ही यूज करना, बहुत ही बढ़िया वाला पेस्ट आप यूज करना, ठीक है गाइस।
आप बहुत बढ़िया वाला पेस्ट यूज करोगे तभी ये छूट पाएगी। काफ़ी देर हो गई है हिला के देखते हैं, तो गाइस हमारी छूट चुकी है। तो गाइस ये देखिएगा कितने आराम से, कैमरामैन से कहेंगे कैमरामैन दिखाओ कोई प्रिंट भी नहीं उखड़ा है, ये बहुत ही अच्छे से उतर चुकी है। चलिएगा इसको भी हम यहाँ पे रखते हैं, इसको भी हम यहाँ पे रखते हैं आईसी को। चलिए गाइस अब हम दूसरी आईसी की ओर तरफ चलते हैं। कैमरामैन थोड़ा कैमरे को क्लियर रखो। तो गाइस हमारी ये वाली आईसी भी छूट चुकी है। और गाइस इधर दिखाऊं कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए इधर कैमरामैन, इधर कोई हमारा प्रिंट भी नहीं छूटा है, तो हमारी ये भी हमारी आईसी छूट चुकी है। तो गाइस एसएमडी हमारी बहुत अच्छे से काम कर रही है, बहुत अच्छे से हमारी एसएमडी काम कर रही है। तो गाइस क्या बड़ी वाली आईसी को भी ये छूटा पाएगी, तो एक बार बड़ी आईसी को भी चेक करते हैं। तो गाइस बड़ी आईसी को तो मुझे लगता है मुश्किल छुटा पाएगी, छुटा देगी लेकिन काफ़ी समय लगेगा, प्रिंट उखड़ने का खतरा रहेगा। हमने इस पर पेस्ट भी नहीं लगाया, पेस्ट इसी का बह के आ गया है इस पर, इसको हमें बहुत अच्छे से हीट करना पड़ेगा। तो गाइस हमारी बड़ी आईसी भी छूट चुकी है। तो गाइस ये बहुत अच्छे से काम कर रही है, इतनी बड़ी आईसी इसने छुटा दी है और कोई प्रिंट भी नहीं उखड़ा है, कोई प्रिंट भी नहीं उखड़ा है। तो गाइस मैं बताऊं आपको, इसने बड़ी आईसी छुटाई है लेकिन लगभग 7-8 मिनट लग गए हैं हमें, मतलब थोड़ा लंबा समय लिया। अगर जो आप जल्दी समय करना चाहते हो तो आपको ये कम से कम 150 वाट का